हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पावर एंड स्लीप सेटिंग के बारे में। अगर आप भी विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं और आपका जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है वो बार बार स्लीप मोड में चला जाता है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग विंडो 10 यूज़ करते हैं उनको क्या करना है, अपने सर्च ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है पावर। जैसे ही आप पावर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है पावर एंड स्लीप सेटिंग, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पावर एंड स्लीप सेटिंग ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन का, यानी कि आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन है बार बार लॉक होती है, वो इसी कारणवश होती है क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग सेट होता है वो 5 मिनट्स होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट्स आता है। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है बार बार लॉक ना हो, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं या फिर उसे नेवर भी कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर नेवर कर लेते हैं। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर स्लीप, तो यानी कि आपका लैपटॉप अगर आप यहाँ पर देखिए 5 मिनट सेट है और आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम नहीं करेंगे तो उसका जो आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप है वो स्लीप मोड में चले जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसे नेवर कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये आप सेटिंग कर लीजिएगा, इसके बाद आपकी जो स्क्रीन लॉक और जो आपका स्लीप मोड वाला ऑप्शन प्रॉब्लम थी वो आपकी लैपटॉप से डेस्कटॉप से रिजॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं जो लोग विंडोज 7 यूज़ करते हैं। देखिए जो लोग विंडोज 7 यूज़ करते हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो पावर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए बैलेंस रिकमेंडेड, इसके बगल में चेंज प्लान सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आप अपनी सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वापस नेवर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर सारे नेवर हो गए हैं। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर जाके अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। और इसे सेट करने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाएगी और आपका जो स्क्रीन है वो लॉक नहीं होगा और स्लीप मोड पर भी नहीं जाएगा। आई होप आपको ये पूरी सेटिंग समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।